हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा, जिसमें आपके पास एक बहुत ही फेमस रिएक्शन आएगी जिसके अंदर पांच ऑलरेडी रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, पहली हेलो एरीन्स मतलब हम क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे, क्लियर ना, क्लोरोबेंजीन की। तो पहली है आपकी डाउज प्रोसेस। क्या है? डाउज प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है? ये डॉज प्रोसेस जो है वो एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन की साइड से चेंज कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने हेलो एल्केन में पढ़ा है उसमें हम डालते हैं एक्वस KOH। क्या डालते हैं? एक्वस KOH। KOH एक तरह के का बेस है, तो ये और पानी के अंदर डालेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ये Cl से अटैच है, और ये वाला जो पोर्शन है Cl को हटा के ये वाला ये बेंजीन है। बेंजीन में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण सी और Cl के बीच में इस जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। तो इतनी इजीली ये रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल सी और सीएल के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे हमें एडिशनली एक चीज डालनी पड़ेगी, वो है डेल्टा हीट। वो डेल्टा क्या करेगा? सी और सीएल के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, और सीएल जो है वो के साथ भाग जाएगा, और जो OH है वो सीएल की पोजिशन को ले लेगा, तो बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल, दिस इज फिनॉल। इसके ऊपर एक प्यारा सा रीजनिंग क्वेश्चन भी उठता है, इसका नाम है वन क्लोरोबेंजीन। और ये हीट का इसीलिए यूज हुआ क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से है? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, ये है डॉज प्रोसेस। क्या है? डॉज प्रोसेस। इसी पे एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन है, और बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या फिर असर्शन रीजनिंग में भी दे देगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आता है कि वाई हेलो एल्केन्स डाल भी देता हूं। ये सपोज ले लिया CH3Cl है, is more reactive than halo arenes मतलब क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन towards the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे आंसर देख लेते हैं और यहां बढ़ते हैं आगे। देखो, ये मैं ले लेता हूं सबसे पहले एक हेलो एल्केन CH3Cl, इसमें डाल दिया मैंने एक्वस KOH। क्या डाल दिया? एक्वस KOH। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, Cl के साथ जो कार्बन लगा है वो एलिफैटिक है, एलिफैटिक में रेजोनेंस होता नहीं है, तो इस कार्बन और इस Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, और सिंगल बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है, वो इजिली टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर याद रखिएगा पहला पॉइंट, नो रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन CCl, सी और सी एल के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब CCl के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इजिली टूट के वो एक्सचेंज हो जाएगा,
के साथ सीएल भाग जाएगा, के सी एल हो जाएगा, और जो दूसरा है वो सी एस थ्री ओ एच हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। ओके, अब इसी को देखते हैं हम हेलो एरीन में, हेलो एरीन में ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है रेजोनेंस की वजह से। तो सबसे पहले पॉइंट रखिएगा इसके अंदर कि इसमें है रेजोनेंस, क्या है, और रेजोनेंस की वजह से यहां पे आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर ड्यू टू resonance, due to resonance. तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, aqueous KOH के साथ एक additional चीज, वो है heat, तभी ये टूटेगा और K जो है वो Cl जो है वो K के साथ भाग जाएगा और वहाँ पे OH आ जाएगा। तो reason ये आपका यही होगा, ये यहाँ पे कोई double bond नहीं है तो ये जल्दी टूटेगा, तो ये fast react करेगा, ये reaction होगी faster, ये reaction होगी faster और ये होगी slower, और इसी slower को faster बनाने के लिए क्या डाला जाता है, heat। समझ गया बेटा, क्लियर। तो ये आपका सबसे पहले डॉस प्रोसेस है, डॉस प्रोसेस पे ये वाला एक रीजनिंग क्वेश्चन उठता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और किस पे करेंगे, हेलोरीन पे, मतलब क्लोरोबेंजीन पे, ठीक है। पांच रिएक्शंस आपको इसके अंदर पढ़नी है, पांच रिएक्शंस मैं लिखवाता हूं, और ये रिएक्शंस आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। एक है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, वहां पे पूरी मैकेनिज्म के साथ था। यहां पे मैं आपको इस जो भी पांच रिएक्शन है, हर रिएक्शन के लिए रिएजेंट लिखवाऊंगा, उस रिएजेंट से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो भी निकाल दूंगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किस रिएक्शन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, और ये 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ए लेते हैं, नाम है रिएक्शन का हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। इसका जो रिएजेंट है, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है, रिएजेंट वो यूज होते हैं आपके Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, रिएजेंट Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3। तो इन ये रिएजेंट है, रिएजेंट से ही इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, और वही इलेक्ट्रोफाइल यहां पे क्या करेगा, हेलोरीन पे अटैक करेगा, और कौन कौन सी पोजीशन पे करता है, दो ही पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से ज्यादा होती है, क्लियर है। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें से जो निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल याद रखिएगा जो एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रोफाइल इसमें से जो निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल वो होगा आपका सीएल पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा बी है आपका नाइट्रेशन में जो रिएजेंट यूज होते हैं, नाइट्रेशन में जो रिएजेंट यूज होता है, पहला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दोनों रिएजेंट से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और जो क्लोरोबेंजीन पे अटैक करेगा वो होगा आपका NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर। सी है आपका सल्फोनेशन, इनको इसको याद रखिएगा बेटा, ये एक बार नहीं हर चैप्टर में यूज होना है ऑर्गेनिक में, पहली बार में ही है और 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने सल्फोनेशन। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 2 moles कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर एक्सेस ऑफ H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो निकलता है वो निकलता है SO3H और S पे पॉजिटिव, दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज वाले ही क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है पॉजिटिव वाले, याद है ना, डेफिशिएंट होते हैं, ये देखो डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके कितने, 3 हो गए। अब आपका है डी, नाम है रिएक्शन का फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, पहला रिएजेंट लिखते हैं, फिर जो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा,
इलेक्ट्रोफाइल जो निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो निकलेगा, और साथ में ई भी लिख देते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट, ऊपर वाला एल्काइलेशन है, नीचे वाला एसाइलेशन होगा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, रिएजेंट पहला, रिएजेंट दूसरा, इलेक्ट्रो, रिएजेंट से क्या निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल ही क्लोरोबेंजीन पे चेंज करेगा, ठीक है, अटैक करके चेंज कर देगा इलेक्ट्रोफाइल को, इसमें जो होता है CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो होता है CH3 पॉजिटिव, ये, ठीक है। दूसरे वाले में CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस है, ठीक है ना, AlCl3, तो इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो निकलता है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये और वो पांच, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो आपके अटैक करेंगे, क्लियर बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अब ये अटैक कराते हैं रिएक्शन वाइज, ठीक है, ओके, कौन कौन सी पोजिशन पे करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, और कौन सा ज़्यादा सिमेट्रिक होगा वो, सॉरी, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा या मेजर होगा वो आपको भी समझा दिया जाएगा, दो मिनट लगेंगे आपको समझने में। तो पहला स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर ए नाम है उसका, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। बी कौन सा है, बी इज नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, किस पे करना है भाई, क्लोरो बेंजीन पे, किस पे करना है, किस पे करना है, ठीक है, बना दिए तो, ठीक है। इसके रिएजेंट कौन से थे, Cl2 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब सूखा, AlCl3, और इस रिएजेंट से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा था, Cl पॉजिटिव, कौन कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और ये क्या है, पैरा, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार अटैक करेगा ये क्लोरोबेंजीन तो है ही, कहाँ पे, यहाँ पे, दूसरी बार कहाँ करेगा, पैरा पे, कहाँ पे करेगा, पैरा पे। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में ज़्यादा सिमेट्रिक कौन है, जो ज़्यादा सिमेट्रिक है वो स्टेबल होता है, स्टेबल ही ज़्यादा बनता है, समझ आया, तो ये वाला ज़्यादा सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक मोर स्टेबल, मोर सिमेट्रिक मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, समझ गए। आप सपोज कहते हैं कि भाई एक मैं खड़ा हूँ, मेरे दोनों पैर हैं, दोनों हाथ बराबर हैं, दोनों कान बराबर हैं, सब कुछ ठीक है, एक और बगल में खड़ा है जो बंदा फिजिकल हैंडीकैप है, उसका एक पैर नहीं है, तो विच वन इज मोर स्टेबल, है ना, बिकॉज मैं सिमेट्रिक हूँ, मेरे को बीच से काटोगे तो मतलब देखोगे, समझ गए, ठीक है, और ये होगा आपका, समझ गया ना क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। और सिमेट्रिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मैंने बताया था, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस अच्छा फॉर्म करता है, लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाए आपको, है ना, ये है लेस्ट, और ये मोर स्टेबल मोस्ट, ये होगा मोर सिमेट्रिक मोर स्टेबल, और ये मेजर होगा, क्या होगा, मेजर, तो ये क्या होगा, लेस सिमेट्रिक लेस स्टेबल, और क्या होगा, माइनर, क्या होगा, माइनर, क्या होगा बेटा, माइनर, क्लियर है, ओके ना, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होगा, अब मेजर माइनर बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है यहां लिख देता हूं, क्या निकल रहा है, इसमें क्या निकलेगा, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। रिएजेंट क्या क्या थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कौन कौन सी पोजिशन पर अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड, एक यहां अटैक करा, दूसरा कहां अटैक करेगा, कौन सा स्टेबल है आपको पता है, ये होगा मेजर क्योंकि ये स्टेबल है, और ये बनेगा माइनर क्योंकि ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल क्योंकि कम सिमेट्रिक है, कम सिमेट्रिक है, कम सिमेट्रिक है, क्लियर, ओके। थर्ड सी नाम है सल्फोनेशन, ठीक है, रिएक्शन, फिर है डी आपका फ्रिडल क्राफ्ट फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन, क्लियर है, ओके। किस पर अटैक करना है बेटा, क्लोरोबेंजीन, किस पर अटैक करना है, क्लोरोबेंजीन, किस पे करना है बेटा, क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर CH3 CL, इसमें ना फ्रिडल क्राफ्ट में जो CH3 है ना,
इसके कार्बन की चेन आप बढ़ा सकते हो, जैसे ये मिथाइल है, इसको इथाइल भी कह सकते हो, इसको प्रोपाइल भी कह सकते हो, कार्बन की चेन आप कितनी बढ़ा सकते हो, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिया ना एक ही कार्बन का, आप दो कार्बन का ले सकते हो, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, उतने ही कार्बन अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, एनहाइड्रस एल सी एल थ्री, तो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल सी एल सी एच थ्री पॉजिटिव, इसमें निकलता है सल्फोनेशन में क्या डालते हैं, दो मोल डालते हैं या एक्सेस ऑफ, ठीक है ना, एस टू एस ओ फोर कॉन्सेंट्रेटेड अगेन एस टू एस ओ फोर, ठीक है, क्या निकलता है एस ओ थ्री एच, और पॉजिटिव किस पर आता है एस पे, ठीक है ना, ये वाला पॉजिटिव है ना, अटैक कहाँ करेगा, दो पोजिशंस पे, क्या करेगा, दो पोजिशंस पे, एक करेगा एसओ थ्री एच यहाँ पे, दूसरा करेगा क्लोरोबेंजीन है ही, और कहाँ करेगा, मेजर कौन है माइनर कौन है आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्लियर है, इसमें कौन अटैक करेगा, सी एस थ्री पॉजिटिव, ठीक है, सी एल कहाँ अटैक करेंगे, एक यहाँ कर देगा, दूसरा यहाँ करेगा, मेजर माइनर कौन है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्लियर है, ओके। अब लास्ट है आपका, वो है ई फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ए सी वाई एल ए टी आई ओन रिएक्शन, और इसमें जो निकलेगा वो दो रिएक्शन कराता हूँ इसके अंदर में, ठीक है, तो देखिए पहला ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये भी क्लोरोबेंजीन है, इसमें डाल दिया मैंने सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, साथ में एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, एनहाइड्रस मतलब सूखा 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 सूखा, जैसे नमक होता है ना अपना एनहाइड्रस एन ए सी एल, जो हम खाते हैं किचन में होता है वो एनहाइड्रस एन ए सी एल होता है सूखा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। अच्छा उसको हम अगर खोल के छोड़ दें एक दो महीने तक तो मॉइस्चर आ जाएगा, वो तुमने था ना ढीले ढीले से बन जाते हैं, गड़ती बन जाती है, इसमें C डबल बॉन्ड ओ सी एल, और ये हो जाएगा एक और बेंजीन लगाता हूँ इसमें, ठीक है, एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, अटैक कहाँ कर रहा है, क्लोरोबेंजीन इसमें C डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इसमें करेगा सी एल वहाँ पे यहाँ पे, इसमें क्या अटैक करेगा दिख रहा है ना, इसकी जगह कार्बन की जगह क्या आ गया, बस वही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस सी एस थ्री की जगह ये चेंज हुआ है और बिल्कुल सेम बनेगा, है ना, तो ये बन गया आपका ऐसे C डबल बॉन्ड O, और ये समझ गए, दूसरा कौन सा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना बेटा, मेजर माइनर, क्लियर है, तो ये आपके पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी है, और साथ के अंदर साथ साथ में इसके अंदर क्या इंक्लूड हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और जो बाय प्रोडक्ट बन रहे, सॉरी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें दो बन रहे हैं, एक मेजर एक माइनर, कौन सा मेजर है जो ज्यादा सिमेट्रिकल है, क्लियर, ठीक है, ऐसे ही आपको हमेशा याद रखना, क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के स्ट्रक्चर जब हमने इसके बनाए तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी ऑर्थो और पैरा पे ही ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव है तो हम अटैक क्या करवा रहे हैं, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो कहाँ करेगा, नेगेटिव पे करेगा ना, तो दो जगह बन रहे हैं, तो जो ज्यादा सिमेट्रिकल बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, क्लियर है बेटा, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन है, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।